अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्कर गैंग का पर्दाफाश, 51 किलोग्राम अवैध गांजा व 2 मोटरसाइकिल के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चुनपत कुशीनगर से सामने आ रही। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में स्वाटवा थाना तलाया सुजान की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा झरई नाला NH 28 के पास से अंतर जनपदीय अवैध गांजा तस्कर गैंग के 5 सत्र अभियुक्त व 1 अन्य बाल अपचारी को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 51 किलोग्राम गांजा व 2 अदद मोटरसाइकिल की बरामदगी की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया, बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। क्या है पूरा जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना तरिया सुजान और एसओजी की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 5 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों के गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इनमें 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से करीब 51 किलोग्राम से अधिक गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी बाजार कीमत 8 लाख रुपए से अधिक है। ये 5 व्यक्ति उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से गांजा को कलेक्ट करके बिहार के रास्ते से कुशीनगर लेके आए थे और इनकी आगे की योजना कुशीनगर, गोरखपुर और इन क्षेत्रों में इस गांजे की सप्लाई करने को थी। तो कुशीनगर क्षेत्र में ही तरिया सुजान के थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनकी धरपकड़ की गई और इनसे ये बरामदगी की गई है। ये लोग किसको बेचने वाले थे, इसकी भी तलाश और पड़ताल की जा रही है, अधिक कार्रवाई हो रही है। सर, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में और आप काफ़ी बरामदगी हुई गांजे की, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं तस्कर जो नया नया तरीका अजमा रहे हैं, उसको कैसे ट्रेस कर रही है? देखिए, तस्करों ने निश्चित रूप से, जैसा कि आपने पहले भी देखा था, जो नेबुआ नेवरंगी में पकड़ा गया था, तो उन लोगों ने गाड़ियों की डिक्कियों में, गाड़ियों की खिड़कियों में, सीट के अंदर इस तरीके से गांजे को छुपा के सप्लाई कर रहे थे। तो ये अलग अलग माध्यमों से और अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस निरंतर इनके तरीकों को ट्रेस कर रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है।